हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगड़ी, योर होस्ट एंड दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लेट्स के बारे में बात करेंगे कि लेट्स के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम किस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बता सकते हैं या फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे आप स्क्रीन पर कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे चलो खेलते हैं, आओ नाचते हैं, चलो काम करें, चलो कुछ नया सीखते हैं। इस तरह की एग्जांपल्स हम ऐसे सिचुएशंस में बोलते हैं जब हमें किसी व्यक्ति के साथ कोई काम करना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी होटल के सामने खड़े हैं और उस होटल में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तली जा रही हैं, तो आप अपने दोस्तों से कहते हैं चलो यार कचौड़ियाँ खाते हैं। और आप इसे भी बोल सकते कि आओ यार कचौड़ियाँ खाते। आप ऐसे ही बोल सकते हैं चल यार कचौड़ी खाते हैं। आप इसको ऐसे बोलते चलो यार कचौड़ियाँ खाते हैं। तो ये देखिए कि हमने इन चारों शब्दों के माध्यम से एक सेंटेंस को चार तरीके से बोला। तो इसी तरह से हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी नदी में नहाने जाते हैं। तो आप नदी में नहाने जाते तो शहरों में तो ज़्यादा नहीं जाते लेकिन गाँव में अधिकतर जाते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो अपने दोस्तों में एक ना एक ऐसा बंदा रहता है जिसे पानी से डर लगता है और सब दोस्त नहाते हैं मगर वो बाहर खड़ा होकर देखता रहता है। तो हम उससे कहते हैं कि चलो यार नहाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखिए चारों शब्दों के माध्यम से एक सेंटेंस को पूरा करा। तो इसी तरह के वाक्यों को हम लेट्स की सहायता से बदल सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए सबसे पहले हमें लेट्स की स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो लेट्स की स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लेट्स। तो लेट्स में देखिए यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, तो इस अपोस्ट्रोफी को आप हटाकर लेट अस का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो लेट अस है उसका प्रचलन ज़्यादा नहीं। आप लेट्स या अपोस्ट्रोफी हटाकर जो बनता है वाक्य वो है लेट अस। तो आप लेट अस का भी प्रयोग कर सकते हैं मगर परंतु जो लेट अस है वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। तो यहाँ पर आपको लेट्स का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप जानते ही हैं, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में यह बताया था कि वर्ब क्या होती है या कितने प्रकार की होती है। अगर आपने वह वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो लेक्चर को एक बार जरूर देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। चलिए, तो हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया है, अब उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से और उसे अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास चलो खेलते हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा लेट्स प्ले। दूसरा एग्जांपल आओ नाचते हैं, तो आओ के सेंस के लिए हम लगा देंगे लेट्स और नाचने के लिए जो वर्ब का यूज होता है वो है डांस। अगला चलो काम करें, तो चलो के सेंस के लिए हम लगेंगे यूज लेट्स और काम करने के लिए यूज होता है वर्क, लेट्स वर्क। उसके बाद हमारा अगला एग्जांपल चलो कुछ नया सीखते हैं, तो चलो के सेंस के लिए हम लगा देंगे लेट्स कुछ नया सीखते हैं, तो सीखने के लिए लर्न कुछ नया समथिंग न्यू। तो इन सभी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम एक बात यह देख रहे हैं कि सभी स्ट्रक्चर में सभी सेंटेंस में इन चारों शब्दों से ही सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, या यूँ कहा जाए कि इन चारों शब्दों से ही सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। तो आप इन चारों शब्दों का प्रयोग कर इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी तरह के मैं अंग्रेजी सिखाने के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।